Hey traders, welcome back again with another amazing video. तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में algo test के एक ऐसे यूनिक फीचर के बारे में जो आप लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना, वरना आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं algo test के एक यूनिक फीचर हीट मैप की। तो चलिए सीधा चलते हैं algo test के डैशबोर्ड पर और समझते हैं हीट मैप। तो यहाँ पे मैं डैशबोर्ड तक आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाता है हीट मैप। तो ये आपको ऐसा दिखता है हीट मैप। तो आप समझते हैं कि हीट मैप है क्या। तो हीट मैप algo test का एक फीचर है जो कि एक पावरफुल टूल है, जहां पे शॉर्ट स्ट्रैडल जो भी सेल करता है उसमें होता क्या है कि आप शॉर्ट स्ट्रैडल के प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेंड को विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने कोई भी स्ट्रैडल को सेल किया और मुझे पास्ट में डेटा देखना हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैंने स्ट्रैडल सेल किया होता और अलग अलग टाइमिंग पे अगर सेल किया होता तो उसका क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा होगा। और यहाँ पे ट्रेडर अब इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, जल्दी से क्विकली अलग अलग टाइम फ्रेम पे परफॉर्मेंस पैटर्न को देख सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। तो चलते हैं अब स्क्रीन पर और समझते हैं पूरा हीट मैप और वन बाय वन इसके टेबल कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं, इसके जितनी भी फंक्शनैलिटी जो दे रखी है उन चीज़ों को समझते हैं ताकि आप इसको यूज करके आगे अपने लिए इसे बेनिफिशियल बना पाए। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन गिवन्स है टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, टाइम वर्सेज एसएल, डेट वर्सेज टाइम और डेट वर्सेज एसएल। तो हम एक एक करके तीनों टेबल कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे, जानेंगे कैसे वर्क करते हैं और समझेंगे ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे टेबल कॉन्फ़िगरेशन को, जो कि है आपके टाइम वर्सेज एसएल। तो यहाँ पे आप लोगों को जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो आपको अंडरलाइन इंडेक्सेस दिख रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप। मैं निफ्टी में करूंगा, आप लोग बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी किसी में भी कर सकते हैं। यहाँ पे डेट दिखती है आपको और यहाँ पे आपको जो वर्टिकल एक्सिस है उस पे आपको टाइम यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको एसएल्स दिख रहे हैं। अब इसको रीड कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉलम आपको रीड करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे आप इसका रीड करेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर मैंने 10% एसएल के साथ 9:16 पे अगर निफ्टी का स्ट्रैडल सेल किया होता तो मेरा डे एंड में जो पीएनएल होता वो आपका 1498 रुपए होता। यही सेम मैंने 10% एसएल के साथ 945 को अगर निफ्टी का स्ट्रैडल सेल किया होता तो मेरा यहाँ पे डे एंड का जो पीएनएल होता वो 1441 रुपए होता। ऐसे ही मैंने 10% के साथ अगर अलग अलग टाइम फ्रेम पे स्ट्रैडल सेल किया होता तो मेरे डे एंड का पीएनएल ये होता। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बता रही है आपको कि मैंने अगर 9:16 को अलग अलग एसएल्स के साथ आपका स्ट्रैडल सेल किया होता निफ्टी पे तो यहाँ पे ये मेरा पीएनएल होता। तो यहाँ पे अगर मैंने 10% एसएल से लेकर 100% एसएल तक स्ट्रैडल सेल किए होते निफ्टी के सिर्फ 9:16 को तो ये मेरा फाइनल पीएनएल होता डे एंड का। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देख सकते हैं आपके ये वाला ब्लॉक में देखो कि अगर मैंने 12:15 को 60% एसएल के साथ निफ्टी का स्ट्रैडल सेल किया होता तो ये मेरा पीएनएल होता। तो ऐसे आप लोग इसको देख सकते हैं और यही आपका पूरा ट्रेंड बता रहा है। अब अगर यहाँ पे अब मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे 50 और 50 से अबव वाले एसएल अच्छे काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी में अब क्या इंप्रोवाइज कर सकता हूँ, मैं अपने एसएल यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे मुझे टाइमिंग भी पता चल रही है पर्टिकुलर के भाई 12-11 के बाद यहाँ पे मेरा ज़्यादा अच्छा एसएल वर्क कर रहा है, मतलब ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है मेरे शॉर्ट स्ट्रैडल, तो मैं वहाँ पे इंप्रोवाइज कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में जस्ट हम आपको एक algo test के यूनिक टूल के बारे में बता रहे हैं, हम आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहे कि आप इस टाइम पे इस एसएल के साथ एक स्ट्रैडल को सेल करो। यहाँ पे ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ये कोई स्ट्रैटेजी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को बस एजुकेशनल पर्पज से देखिएगा और इस टूल से अपनी एनालिसिस करके आप खुद के इनोवेशन करके अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी दूसरी टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ पे डेट वर्सेस टाइम पे। अब समझते हैं कि आप लोगों को कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों को एक स्टॉप लॉस का टैब दिख रहा है और यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, algo test में जो आपका हीट मैप का डेटा अवेलेबल है वो 1st of January 2024 से टिल नाउ का अवेलेबल है और आगे भी अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग 2023 या 22 में मत निकल जाना, तो 2024 से ही डेटा अवेलेबल है। यहाँ पे सेम आपका अंडरलाइन इंडेक्स है, बट यहाँ पे जो डिफरेंट है वो ये है स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या बताता है डेट वर्सेस टाइम का हीट मैप। ये हीट मैप आप लोगों को ये बताता है कि यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस पर्टिकुलर टाइम पे कैसा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैंने 10% स्टॉप लॉस रखा हुआ और ये मेरा पास 60 डेज का डेटा है तो मैं ये पता लगाना चाह रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे
18th ऑफ सितंबर से 1st ऑफ अक्टूबर तक यहाँ पे मेरा 10% SL किस टाइम पे अच्छा वर्क कर रहा है। तो जैसे कि मुझे दिख रहा है कि मुझे अभी तक ऐसा कोई भी नहीं दिखा टैब जिसमें मुझे दिख रहा है कि SL अच्छा वर्क कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे इस SL को कन्वर्ट कर देता हूँ 30% पे, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुछ इम्प्रोवाइजेशन हुआ। अब मैं इसको 40 या 50 पे कन्वर्ट कर देता हूँ, तो अब मुझे और अच्छा ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा 24 सितंबर को यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका ग्रीन है, मींस यहाँ पे अगर मैंने 50% SL के साथ यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग्स पे अपने स्ट्रैडल को सेल किया होता तो मेरे को पूरे दिन में जो प्रॉफिट होता वो ये प्रॉफिट होता 7043 रुपये का। बट अगर मैंने 50% SL के साथ आपका 916 को अलग अलग डेट पे सेल किया होता तो ये मेरा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस होता। तो वर्टिकल लाइन आपको ऐसे है कि आप हर दिन 50% SL के साथ स्ट्रैडल सेल कर रहे हो तो आपका ये PNL है। अगर मैंने 50% SL के साथ अलग अलग टाइमिंग पे सेल किया होता तो मेरा ये PNL है एक ही दिन में, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो इससे मुझे क्या ट्रेंड पता चल रहा है कि मेरा 50% SL अलग अलग टाइमिंग पे वर्क कर रहा है, तो ये इससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे और भी इंडेक्स है, आप उसे करके देख सकते हो। मैं डेट और भी चेंज करके देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे अब मेरे पास ये जो डेटा है, ये आपका मेरे पास डेटा है 18 अगस्त से 1 अक्टूबर तक का, यहाँ पे मेरे पास डेटा है। तो मुझे अब ये पता चल रहा है कि मेरा जो 50% SL है वो कैसा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये डेटा दिख रहा होगा। तो इसमें जो मैं फ्लेक्सिबिलिटी वो SL को चेक करने के कि आपका कौन सा स्टॉप लॉस अच्छा किस टाइमिंग पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अब हम चलते हैं यहाँ पे हमारी तीसरी टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे, जो कि है डेट वर्सेस SL। अब प्रीवियसली जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिली वो हमें स्टॉप लॉस में मिली, अब यहाँ हमें फ्लेक्सिबिलिटी जो मिल रही है टाइम में मिल रही है। अब इस हीट मैप से हमें क्या पता चल रहा है, इस हीट मैप से हमें ये पता चल रहा है कि हम देखना चाहते हैं कि कौन सा SL किस पर्टिकुलर टाइम पे काम कर रहा है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे सुबह 9:45 को अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि 9:45 पे कौन सा SL अच्छा वर्क कर रहा है, तो इस हीट मैप से मुझे ये पता चलता है। तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अगर मैंने 9:45 को यहाँ पे 10% SL के साथ अगर अपने स्ट्रैडल को सेल किया होता तो मेरा ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता। अगर मैंने 20% के साथ किया होता तो मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस होता। और यहाँ पे आप लोगों को 60 डेज का अप्रॉक्सीमेटली डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है अगर मैं हर दिन में अगर यहाँ पे 20% SL के साथ सेल कर रहा हूँ स्ट्रैडल को तो मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस होता। तो यहाँ पे मुझे 9:45 की टाइमिंग सजेस्ट हो रही है कि 20% SL सही है। अब मैं 60% देख लेता हूँ, ये भी SL अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे इसने मुझे 8,500 के आसपास 8,853 का प्रॉफिट दिया। तो ये अब ये यहाँ से मुझे ये आइडेंटिफाई होगा कि मेरा 60% SL अच्छा काम कर रहा है 9:45 को। तो प्रीवियसली जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिली वो स्टॉप लॉस की मिली, चेक करने की कि आप पर्टिकुलर स्टॉप लॉस चेक कर रहे हो डिफरेंट टाइमिंग्स पे। इसमें आप लोगों को जो फ्लेक्सिबिलिटी मिली वो टाइम की मिली कि आप पर्टिकुलर टाइम पे चेक करना चाह रहे हो अपने एक SL के कौन सा SL अच्छा वर्क कर रहा है। और यहाँ पे इंडेक्स आप लोगों के पास है ही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे एक टॉगल बटन है, तो अगर जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट रेशो आ जाएगा कि आपको कॉल में कितना प्रॉफिट हुआ और पुट में कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। तो यहाँ पे कॉल में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ और पुट में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, तो आप ये भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने तीनों टेबल कॉन्फ़िगरेशन को देखा और समझा कि आप लोग हीट मैप को कैसे यूज़ कर सकते हो, अब इसके फायदे क्या हो सकते हैं, क्या आप कैसे आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐसे बेनिफिट हो सकता है। अब यहाँ पे आप लोग एक तो टाइम के जरिए पता लगा सकते हो कि मेरा किस टाइम पे कौन सा पर्टिकुलर SL वर्क कर रहा है। तो आप लोग अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज को या फिर अगर कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करने वाले हो तो उसमें आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो। वहाँ पे इससे इस डेटा से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज करने में। दूसरा, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है स्टॉप लॉस चेक करने की, तो आप पर्टिकुलर स्टॉप लॉस भी चेक कर सकते हो कि कौन सा स्टॉप लॉस मेरा किस टाइम पे अच्छा वर्क कर रहा है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। जब आप लोग ये एनालिसिस कर लो उसके बाद आप एक कंक्लूजन तक पहुँच सकते हो जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मीन्स आप लोगों को एक ऐसी इंसाइट मिल रही है एक कंसोलिडेट फॉर्म में जो मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट देगी अगर आपकी स्ट्रेटजी में टाइम और SL का ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो और अपनी एग्जिस्टिंग और न्यू स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज कर सकते हो। तो साइड में आपको एक शेयर टैब मिल रहा है जहाँ से आप अपनी हीट मैप को डाउनलोड भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा और आप इस हीट मैप को यूज करके अब अपनी एग्जिस्टिंग और न्यू स्ट्रैटेजीज को इम्प्रोवाइज कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।